हाँ, यूपी में हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे बाराबंकी की खबर से। आज बाराबंकी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जीआईसी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम। ₹148.85 करोड़ की 186 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र भी करेंगे वितरित। ब्रिटानिया की बिस्किट एवं बेकरी को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। 12:55 पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम में उतरेगा हेलीकॉप्टर। 1 बजे जीआईसी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2:05 पर सीतापुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी आ रहे हैं। स्टेडियम में बने हेलीपैड पर लगभग 12:55 पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और 1 बजे वो जीआईसी ऑडिटोरियम आएंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जीआईसी ऑडिटोरियम है, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और अपनी उन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे जिनको जिनके लिए बाराबंकी आ रहे हैं। लगभग 148.85 करोड़ की परियोजनाएँ हैं और ब्रिटानिया की बिस्किट और बैटरी उत्पाद इकाई का निर्माण और हरी झंडी दिखाएंगे। 340 करोड़ रुपये की लागत और 1000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये शिलान्यास है और यहाँ पर लगे हैं और ये पूरा कार्यस्थल जो पूरी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि पिछली मरतबा 16 सितंबर को भी योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम लगा था, लेकिन बारिश के कारण उनका प्रोग्राम रद्द हो चुका था। आज भी तकरीबन मौसम लगभग वैसा ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि आसमान के बादल घनघोर छाए हुए हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रोग्राम स्थगित होता है या होगा। और आप देख आपको ये बता दें कि ये प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है बाराबंकी की कुछ विधानसभा सीटों के लिए। बाराबंकी से टेनिस के लिए रवि सिद्दीकी। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी दौरे पर हैं। बाराबंकी वासियों के लिए एक बहुत खास दिन है आज। कई सारी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और इसी खबर पर हमारे साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता रजी सिद्दीकी जुड़ गए हैं। रजी, बाराबंकी के लोगों के लिए आज बहुत खास दिन है। जी, आपको बताना चाहेंगे बाराबंकी में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और यहाँ पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और ब्रिटानिया फैक्ट्री और जैसी कई फैक्ट्रियों का उद्घाटन करेंगे और काफी लोगों को लाभ देंगे। जी रजी, ब्रिटानिया जो उसकी कंपनी है उसकी बेकरी का उद्घाटन करेंगे, जो फैक्ट्री वहां पर है वहां कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो बहुत खास हैं वहां के लोगों के लिए जिससे उनको काफी फायदा मिलने वाला है? जी, आपने बता दें कि बाराबंकी में यही जो फैक्ट्रियों का उद्घाटन करेंगे ये तो बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे रोजगार का अवसर बढ़ेगा। दूसरा ये देखा जा रहा है कि ये बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ रहा है और यहाँ पे अभी पिछले विधानसभा जो इलेक्शन हुए थे उसमें 5 सीटें बीजेपी की थी और जो मेन सीट नवाबगंज कही जा रही है, जो जिस यहाँ पे इनका आज प्रोग्राम लगा हुआ है, यहाँ पे इनको ये जनसभा करेंगे और इस सीट के लिए ज्यादा रहेगा। इसके बाद बीजेपी का जो भी चुनावी अभियान है शुरू हो जाएगा इनके आने के बाद। रजी, ये जो बाराबंकी का जो इलाका है, ये जो आसपास जो विधानसभाएं हैं तो कड़े प्रतिद्वंदी हैं, खासकर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो इसको देखते हुए इसी जगह को चुना गया है ताकि यहाँ से एक संदेश जाए और इसका असर बाकी विधानसभाओं पर भी पड़े। जी बिल्कुल, ये एकदम सही है कि चुना गया है तो यहाँ पे और भी चुनावी बिजली बच जाएगा और उसके बाद
यहाँ पे सियासत की जो गहमा गहमी है उससे बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, उसके बाद यहाँ पे सियासत चालू हो जाएगी क्योंकि इलेक्शन के कुछ ही दिनों बाकी है और जो भी लाभार्थी है जिनको लाभ देना है यहीं से शुरू हो जाएगा उनको सियासत का जो चल रहा है। जी रजी, क्या खास तैयारियां की गई हैं चूंकि सीएम का कार्यक्रम है और कितने लोगों को आने की वहां संभावना जताई जा रही, कितना जल सैलाब उमड़ सकता है? जी जनसैलाब अगर कहें तो काफी जनसैलाब उमड़ सकता है और जो तैयारियां की गई हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। काफी यहाँ जैसी ऑडिटोरियम है यहाँ पे काफी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, कई हजारों में भीड़ एकत्रित हो सकती है और पूर्ण इसके इंतजाम किए गए हैं। बारिश के मद्देनजर भी कुछ टेंट वगैरह से बाहर लगाए गए हैं और जो जहाँ कीचड़ वगैरह था उसमें मिट्टी डाल के ईंटें वगैरह बिछा दी गई हैं। जी रजी, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या खास इंतजाम किए गए हैं कार्यक्रम स्थल में? जी आपको बता दें कि बाराबंकी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और जो भी सुरक्षा के व्यवस्था है उसको बाराबंकी के जो एसपी है यमुना प्रसाद उन्होंने पूर्ण रूप से तैयार किया हुआ है और जगह जगह पे पुलिस तैनात है और पूरी कई सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उसी के बीच सीएम का प्रोग्राम होगा। इसके अलावा रजी, अगर बात करें जो सीएम के कार्यक्रम को लेकर कौन से और खास लोग वहां उपस्थित हो सकते हैं, अगर मंच की खासकर बात करें? जी आपको बता दें कि मंच पे यहाँ पे सांसद उपेंद्र रावत सहित जिले के जो विधायक हैं वो मंच पे रहेंगे और दारा सिंह चौहान जो प्रभारी मंत्री हैं उनका भी इसमें जो है यहाँ पर मंच पे वो स्थित रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। रजीस, के अलावा कोई और भी खास कार्यक्रम है यहाँ के जाने के बाद सीधे सीतापुर के लिए रवाना हो जाएंगे या और भी कहीं वो जाएंगे? बाराबंकी में वो शिलान्यास करने के बाद यहाँ पे जनसभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद वो सीतापुर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजी तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत खास है आज सीएम का ये दौरा, काफी खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की दृष्टि से भी और बाराबंकी वासियों के लिए बहुत खास है क्योंकि तमाम सारी परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा। इसके अलावा ब्रिटानिया की जो बेकरी है उसकी वजह से 1,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। और अगली खबर सीतापुर से है, सीएम योगी आदित्यनाथ का सीता